अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू उज़मा रिज़वान किचन। आज मैं क्रीमी चिकन टिक्का बना रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बनता है। 6 मैंने ड्रमस्टिक लिए हैं, इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। इस तरह से डीप कट लगाएंगे, कट लगाने से मसाला अंदर तक जाएगा। सारे पीसेस को कट लगा लिए हैं। मैरिनेशन के लिए दही लेंगे 3 टेबल स्पून, मिल्क पैक क्रीम 4 टेबल स्पून, नमक 1/2 टीस्पून, 5 सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, सफ़ेद मिर्च 1/2 टीस्पून, लेमन जूस 1 टेबल स्पून। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस इसमें बहुत कम यूज़ होते हैं, लेकिन ये बहुत टेस्टी बनता है। ड्रमस्टिक डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जितना ये बनाने में आसान है, खाने में कहीं ज़्यादा टेस्टी बनता है। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको कवर करके 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। चिकन को रखे हुए 2 घंटे हो गए हैं, अब इसको कुक करेंगे। पैन में चिकन ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी बाउल में डालकर ऐड करेंगे ताकि बाउल अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। अब इसको कवर कर देंगे, दरमियान में चेक करते रहिएगा। पानी ड्राई हो गया है, चिकन गल गया है। अब इसको बारबेक्यू टच देने के लिए फॉइल पेपर पर जलता हुआ कोयला रखकर थोड़ा सा ऑयल डालकर 1 मिनट के लिए कवर कर दें। एक मिनट के बाद ढक्कन हटा लेंगे। अब थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, फ्लेम हाई कर देंगे और इसको बारबेक्यू वाला कलर दे लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपने ड्रमस्टिक लेने हैं, आप चिकन का कोई सा भी पार्ट ले सकते हैं। सारे पीसेस को कलर आ गया है, निकाल लेंगे। यकीन करें, बारबेक्यू की बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। क्रीमी चिकन टिक्का रेडी है। फीडबैक लाजमी दें कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।